हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट द पॉइंट बी इज ओके। सो हमें प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी देखें इनिशियल पॉइंट ए पर। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी रखी है, जो यू वेक्टर है हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। यानी कि ये यू एक्स दे रखे हैं तो ये यू वाई। अगर इसको हमने किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यू कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा। सो बेसिकली ये जो u ये u x है और ये u y है, ठीक है, u साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो u x u y हमें गिवन है, ठीक है। हमें बताने से वेलोसिटी एट पॉइंट b। अब देखो यहाँ पे वैसे डायरेक्टली भी देख सकते हो कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। देखो इस पॉइंट b पर जो वेलोसिटी स्पीड जो x डायरेक्शन में होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी, और y डायरेक्शन में ये बेसिकली डाउनवर्ड्स ऐसे आ रहा है, तो y डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस में होना चाहिए, है ना। तो वैसे डायरेक्टली यहाँ से भी आप फिगर आउट कर सकते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और वाई में नेगेटिव में, ठीक है। तो मतलब आई कैप और माइनस जे कैप ये डायरेक्शन होने चाहिए पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते, है ना। बट फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं कि कैसे आएगा। अब देखो एक्स डायरेक्शन में तो वैसे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स हमारा जीरो है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी के इक्वल होता है। यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट बी निकालना है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स तो मेरा यू एक्स के इक्वल ही रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन में एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो स्पीड हमारी एक्स डायरेक्शन में तो चेंज नहीं होगी, राइट। तो वी एक्स तो मेरा यू एक्स के इक्वल रहेगा, यानी कि टू के इक्वल रहेगा। अब वी वाई कैसे निकालेंगे, वी वाई बेसिकली आप निकाल सकते हो यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। अब टी क्या होगा, टाइम क्या होगा, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बेसिकली, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी भी पॉइंट पे एक तरह से वापस ग्राउंड पे आ गया, मतलब जितना टाइम वो रहा, मतलब मतलब इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल जर्नी उसने कंप्लीट किया पूरा, जितना टाइम वो एयर में रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टू यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल हो जाता है, वो जो टी होगा वो टू यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल हो जाएगा, है ना, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, क्योंकि बी पॉइंट पर ये टोटल टाइम उसने लगाया है जर्नी में, जो जितना टाइम उसने मतलब एयर में रहा होगा उतना टाइम होगा उस पॉइंट पी पर, ठीक है, इतना टाइम उसने लगाया है, ठीक है। तो और यू साइन थीटा मेरा यू वाई के बेसिकली इक्वल है, तो टू यू वाई बाई जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू वाई प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, यहाँ से जी से कैंसिल, ये आ गया यू वाई माइनस टू यू वाई, यानी कि वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू वाई, है ना। तो बेसिकली वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, यू वाई की वैल्यू थ्री थी, तो वी वाई की वैल्यू माइनस थ्री। तो वी एक्स हमारा कितना आया था, टू वाई क्या, और वी वाई की वैल्यू माइनस थ्री जी। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है पॉइंट बी पर 2i कैप माइनस 3j कैप, जो कि हम देख सकते हैं सी में गिवन है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।